लेकिन मेरी गाड़ी के दोनों टायर पंचर है। ये गाड़ी के राइट साइड का चक्का है और देखिए यहाँ पे कीला लगा हुआ है। ये देखिए कीला है, ये देखिए कीला लगा हुआ है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समीर एंड ब्लॉग में। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो मॉर्निंग में भी 10 बजा हुआ है और मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ काम पे जाने के लिए दोस्तों। और अफो सिमी तो बारिश का एंजॉय कर रहे हैं, देखिए बारिश के मजे ले रहे हैं। बार बार बारिश में बाहर जाते, भीग के आते, बाहर जाते, फिर कपड़े बदलते, ऐसा इनका चालू है। और अभी जो है मोबाइल मांग रहे हैं। रुक देता हूँ देता हूँ। तो अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, देखिए काट रहे हैं, हाथ में काट रहे हैं कि मतलब मोबाइल दे दीजिए। तो मैं भी खाना खाने लंच करके सॉरी ब्रेकफास्ट करके निकलता हूँ। तो ब्रेकफास्ट में क्या देखिए, तरुण ने बासी चावल चपाती रोटी सब्जी दी है। सिमी मेरी बेटी वहाँ पे बैठी हुई है। फा देखिए काटते हैं, उसके बाद में फिर उसको साफ करते हैं, हाथ में कट करते हैं, ऐसा करते हैं। तो दोस्तों पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और जब तक मोबाइल अफान को दे देते हैं चलाएंगे। रेडी हो गया है, चलते हैं काम पे। और बारिश भी हो रही है तो इस टाइम पे थोड़ा सा बारिश रुकी हुई है। और समारा अफान को दिखाते हैं, समारा नाश्ता किए बेटा कर लिए। और अफान की देखो इनका बस चालू रहता है, देखो गोल गोल घूम रहे हैं बस। और इनको बस मोबाइल चाहिए और बस कुछ भी नहीं चाहिए, मोबाइल दे दो, बिल्ली दे दो। इनकी बिल्ली जंगली बिल्ली पाल लिए है। रात में 3 बार उठ के उसको दूध पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, फिर सुलाते हैं, फिर वो जग जाती है। फिर कभी कभी मूड इनका खराब हो जाता है तो बाहर भी छोड़ देते हैं। ये देखो इनकी देखो, ये पकड़ना है। और जो हमारी बिल्ली अमेरिकन बिल्ली जो थी उसको इतना नहीं प्यार करते थे वो, तर्रू की वजह से मेरे को किसी और को देना पड़ा। वो अमेरिकन बिल्ली थी, वो बहुत सिखाई हुई थी, जब से सूसू या टॉयलेट लगता था तो बाथरूम में जाती थी। तो दोस्तों मैं रेडी हो गया हूँ और जा रहा हूँ काम पे। तो चलते हैं गाड़ी के पास में और मिलते हैं गाड़ी के पास आप सभी को। दोस्तों गाड़ी के पास आ गया हूँ लेकिन मेरी गाड़ी के दोनों टायर पंचर है, ट्यूबलेस है, इसके लिए चल रहे हैं। तो कीला लगा हुआ है गाड़ी में और कीला अगर मैं निकाल दूंगा तो टायर की हवा निकल जाएगी। तो मैं कीला दिखाता हूँ। ये गाड़ी के राइट साइड का चक्का है और देखिए यहाँ पे कीला लगा हुआ है। ये देखिए कीला है, ये देखिए कीला लगा हुआ है। तो ये मैं वहीं पे निकलवाऊंगा टायर वाले के पास में, तो टायर वाला निकाल के तुरंत पंचर बना देगा। और ये लेफ्ट साइड का भी पंचर है, वो भी दिखाता हूँ मैं। इसकी हवा तो बार बार कम हो जाती है लेकिन ये बारीक सी पंचर है, इसकी पंचर ऐसे मिलने वाली नहीं है। तो ये तो पता चलेगा वहाँ पर खोलने के बाद। दोस्तों जहाँ पर मैं रहता हूँ ना, यहाँ पर बुकिंग का चांसेस कम होते हैं, लेकिन अभी बारिश हो रही थी तो बुकिंग आने लगी थी। 2 रिक्वेस्ट मेरे पास आया था तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, घर में था। और अभी रेडी हूँ तो अब इंतज़ार कर रहा हूँ। और मेरा गाड़ी का पीछे का भी बम्पर देखो, ये क्लिप निकल गई है, ये भी निकल गया है। तो इसको मैं मिस्त्री के पास, गाड़ी खड़ी थी मेरी गैरेज पर, मुझे याद नहीं रहा, वरना मैं इसको स्क्रू लगवा के एकदम लेबल करवा लेता, मतलब अंदर बैठ जाता और उसके बाद में आराम से स्क्रू लगा देता, टाइट कर देता ऐसे स्क्रू जैसा, मस्त हो जाता। बारिश के टाइम पर जब पहाड़ों पर नज़र जाती है ना दोस्तों बारिश के टाइम पे पहाड़ों पे देखिए बादल एकदम छा जाता है और ठंडा मौसम, क्योंकि मैं पहाड़ों पे गया हूँ, ऊपर एकदम बहुत ठंडी लगती है। क्योंकि मेरा दोस्त एक फार्म हाउस पे काम करता है तो उसका बहुत ऊपर है बंगला सेठ का, उसी बंगलों पे वो काम करता है, तो बहुत ठंडी हवा आती है। और अभी ये जो सामने पहाड़ है देखिए, वहाँ पे पहाड़ों में जो है एकदम बादल घुसा हुआ है। और ये सामने दरगाह है और सलाम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हजरत बाबा भवन शाह नाम है। तो इस रोड पे जब आता हूँ मैं तो यहाँ पे सलामी देके जाता हूँ दोस्तों। दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि मेरे 2 टायरों में से दोनों में कीला लगा हुआ था, तो जिसमें से एक टायर में कीला जो लगा हुआ था वो मैंने निकाल दिया है, तो वो पंचर नहीं था। और लेफ्ट साइड का देखो भैया खोल रहे हैं वहाँ पे, तो वो पंचर है, बारीक सी पंचर है, मामूली सी। तो वो अभी आप सभी को मैं दिखाऊंगा। और एक बार हवा डाल दो तो उसमें धीरे धीरे लीकेज होती रहती थी, तो वो देखते हैं कितनी बारीक सी पंचर है और आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों पंचर मिल गई है और पंचर मैं आप सभी को अभी दिखाता हूँ। एक बारीक सी पंचर थी जो लीकेज हो रही है, यही वाली है, हाँ यही है। दो है वो, हाँ यार चलो बना दो फिर। तो दोस्तों 2 पंचर हैं, देखो एक तो ये कि ये पंचर है, हवा निकल रही है, और एक इधर है।
एक ये है, दो पंचर है, लेकिन मैं सोच रहा था कि इसमें एक ही पंचर है। चलिए कोई बात नहीं, दोनों बनवा लेते हैं कि साथ में, टायर भी नहीं खोलना पड़ा, ऐसे अपना काम हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, दोनों पंचर बनवा लेते हैं। और दोनों पंचर बनवाने के बाद इनको देखो, ये कितने खुश हो रहे हैं तो एक्चुअली ये देख रहे थे। तो दोनों पंचर बनवाने के बाद निकलते हैं फिर, और बारिश तो हो ही रही है, कल से बारिश हो रही है और आज भी बारिश होगी। तो दोस्तों देखिए, तीन पंचर थी, दो की जगह पे तीन पंचर थी, एक ये पंचर थी और पंचर वाली पंचर हो गई थी, ये लीकेज थी, ये भी लीकेज थी, जो कि ये एलईडी पहले से बनी हुई थी, और एक इधर तीन पंचर निकली हैं इसमें, इस टायर में, और तीनों पंचर पे ये टायर चल रहा था। सोचो ट्यूबलेस का यही फ़ायदा होता है, तो एक्चुअली ट्यूबलेस पूरी हवा नहीं निकालता है, आप रुकेंगे नहीं, चल सकते हो आराम से। दोस्तों तीन पंचर निकली और मुझे लग रहा था कि एक पंचर है, जब चेक किया गया तो उसमें तीन पंचर, मतलब एक अलग से थी और दो पंचर की पंचर थी। तो तीन पंचर का भाई ने मुझसे डिस्काउंट करके 250 रुपया लिया है, जो कि वैसे एक पंचर का 100 रुपये लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि तीन पंचर निकली हुई है तो उसके 250 देते, तो मैंने कहा ठीक है। दोस्तों अभी रात में 2 बजा हुआ है और मैं अभी काम से आया हूँ, तो अभी जस्ट मैंने खाना निकाल के खाने जा रहा हूँ और बच्चे सब सो रहे हैं, तो मैं खाने में बताता हूँ। देखिए तरु चिकन और चावल है और खीर बनाई थी, चिकन चावल खीर यही है खाने में। तो खाना हमारा एक्चुअली हमेशा एक हफ्ते से बेटा है मोरा, क्योंकि मैं कभी 2:30 बजे जाता हूँ, कभी 1:30 बजे जाता हूँ, कभी 3 बजे जाता हूँ, तो इसके चक्कर में लेट हो जाता है और फिर खाना खाने के बाद थोड़ा नींद लग जाती, जो कि खाना खाने के बाद में आधे घंटे बाद सोना चाहिए। तो क्या करें, अभी मजबूरी है। तो मिलते हैं आप सभी को न्यू ब्लॉग में दोस्तों। ओके, अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, और बस दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।